नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हरदा से खबर आ रही है जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है, आग वहां पर लगी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 20 से 25 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये धमाका इतना जोरदार था कि शहर में दूर दूर तक मकानों और दुकानों के शीशे टूट गए हैं। दमकल की गाड़ियां एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुके हैं, जो घायल हैं उन्हें अस्पताल ले जाया जा चुका है। धमाके के बाद एक आग का गोला आपको तस्वीरों में धधकता हुआ नजर आएगा। आसपास के लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जान बचाते हुए। अफरा तफरी की स्थिति है। और उसके बाद दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपको एक बार फिर से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जब पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है तो कितना बड़ा यहाँ पर आग का गोला जो है इस तरह से निकला है और लोग वहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं हरदा के डीएम ऋषि गर्ग का बयान। ब्लास्ट हुआ है और भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। करीब 20-25 लोग हमने जिला अस्पताल में एडमिट भी कराए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। आसपास के जिलों से हमने एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की टीम और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिला प्रशासन की ओर से जारी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी जुड़ गए हैं। अनुराग, ऋषि गर्ग जो हरदा की डीएम है उन्हें हम सुन रहे थे, वो 20 से 25 लोगों की बात यहाँ पर कह रहे हैं, कुछ देर पहले का ये बयान है। इस वक्त क्या ताज़ा जानकारी आपके पास है इस आग को लेकर? देखिए, दो तीन अपडेट हैं अदिति जो पहले दर्शकों के लिए दे दें और खास करके उन लोगों के लिए जिनके परिजन शायद इस फैक्ट्री या आसपास के इलाके में फंसे हुए हैं। सबसे पहले तो भोपाल और इंदौर में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो बर्न यूनिट्स हैं उनको तैयार रहने को कहा गया है। इन दोनों जिलों से, क्योंकि लगभग 3-3.5 घंटे लगते हैं भोपाल से हरदा पहुँचने में, तो इन जगहों से दमकल की गाड़ियों को वहाँ पर रवाना किया गया है। ये बरखेड़ा गाँव है हरदा के पास में और बताया जा रहा है कि अवैध फैक्ट्री थी जिसमें आसपास के घरों में भी आतिशबाजी के लिए जो बारूद रखा था जब उसके में आया, उस वजह से ये इतना भयानक धमाका और इतना भयानक हादसा हुआ है कि सुबह 11 बजे के आसपास ये आग लगी। और जो नर्मदापुरम और सिवनी के आसपास के जिले हैं वहां पर लोगों को ऐसा लगा जैसे भूकंप के झटके आ गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह अफरा तफरी का माहौल है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो रास्ता काट रहे हैं, कुछ लोग वहां से दौड़ते हुए आ रहे हैं। अपुष्ट सूत्रों ने हमें बताया, अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है कि 5 लोगों के शव उन्होंने देखे हैं। कुछ लोगों को, 25 से ज्यादा लोगों को जो हरदा का जिला अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया है और 50 से ज्यादा लोगों को रेफर करने की तैयारी चल रही है। कुछ आला अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और जो वहां के सांसद थे और अब कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी हेलीकॉप्टर से फौरन वहां पर जाने को कहा है ताकि राहत और बचाव का काम सुचारू रूप से चल सके। एक आपात बैठक भी मुख्यमंत्री ने बुलाई है और तमाम अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत ही भयानक हादसा है, सुबह 11 बजे के आसपास हुआ है। दमकल की तमाम गाड़ियों को आसपास के जिलों से भी वहां भेजा जा रहा है और बर्न यूनिट और तमाम जो चिकित्सकीय सहायता है उसके लिए भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अदिति, बिल्कुल अनुराग, ये भी बताएं जहां पर ये आग लगी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं अवैध ये फैक्ट्री थी, क्या ये बिल्कुल रिहायशी इलाके में थी या थोड़ी दूरी पर थी और क्या कुछ लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं आसपास के मकानों में भी उन्होंने बारूद रखा हुआ था। देखिए, ये अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो खेत के पास ये फैक्ट्री है लेकिन आसपास घर हैं और एहतियातन 100 से ज्यादा घरों को वहां पर खाली कराया गया है। कुछ घरों में भी वहां पर आग लग गई है लेकिन इसकी निश्चित संख्या कितनी है, कितने लोग वहां पर और ट्रैप हुए हैं, अगर आसपास के घरों में भी कुछ लोग फंसे हैं तो इस बारे में अभी पुख्ता तौर पर हम अपने दर्शकों को नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि आसपास के कुछ घरों में भी आग लगी है, आसपास के कुछ घरों को खाली कराया गया है और साथ ही साथ एहतियातन वहां से भी लोगों को शिफ्ट किया गया है और ये करने की प्रक्रिया चल भी रही है क्योंकि आग रहकर भभक रही है, अभी पूरी तरह उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। वजह यही है कि आसपास के कुछ घरों में भी बारूद रखा हुआ था जिस पर धमाके अब तेजी से हो रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि अभी भी वहां पर आग लगी हुई है, पूरी तरह से बुझी नहीं है और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है और कई लोग इसमें घायल हैं, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। भोपाल और इंदौर के अस्पताल जो हैं खासतौर से जहाँ पर बर्न इंजरीज को का इलाज किया जाता है वहाँ पर अस्पतालों को तैयार रहने को कहा गया है और अब देखना होगा क्या कुछ जानकारी इस खबर से जुड़ी आती है, उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे।